और सरल विश्लेषण। देखिए इकोनॉमी टुडे सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। नए कानून लोगों की भलाई पर जोर देते हैं, लेकिन जानकारी की कमी के चलते नए कानून को लेकर कई तरह की भ्रांतियां, सवाल और शंकाएं हैं। तो चलिए आज बात करते हैं नए कानूनों को लेकर फैलाए जा रहे मिथक और सच्चाई की। बड़ा मिथक देशद्रोह को लेकर है कि राजद्रोह का नमस्कार, आप सभी का स्वागत है डीडी न्यूज पर और आप देख रहे हैं बाजार इस हफ्ते और मैं हूं आंचल गुलाटी गुम्बर। और इस खास शो में हम आपको बताते हैं कैसी रही इस हफ्ते बाजार की चाल। तो शेयर बाजार में अगर पिछले सप्ताह का हम जिक्र करें तो काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला। बीते शुक्रवार को कारोबारी सप्ताह के अंतिम दिन पिछले 5 सत्रों से जो जारी गिरावट थी वो थमती हुई नजर आई। उतार चढ़ाव भरे कारोबार के बीच बैंकों और पेट्रोलियम कंपनियों के शेयर्स में खरीदारी की वजह से सेंसेक्स 75 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुआ है। वहीं अगर हम उद्योग जगत की माने तो मतदान प्रक्रिया का अंतिम दौर आने के साथ अब निवेशकों की नजरें एग्जिट पोल के आंकड़ों पर टिकी हैं और इस दौरान चुनिंदा क्षेत्रों में खरीदारी से बाजार में हल्की तेजी की उम्मीद की जा रही है। इन सभी मुद्दों पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन अगर आपके मन में कोई सवाल है, आप जानना चाहते हैं शेयर मार्केट का हाल कैसे रहने वाली है, स्टॉक्स की चाल, किस सेक्टर में निवेश करना होगा मुनाफे का सौदा और कौन सा सेक्टर देगा बेहतरीन रिटर्न, इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे मार्केट विशेषज्ञ। लेकिन आप जब सवाल पूछेंगे तो आप हमारे नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं जो लगातार फ्लैश होंगे। नंबर है 0112338703 और दूसरा नंबर है 2309-7670। और बेहद खास मेहमान आज शेयर बाजार के इस खास शो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमरीश बलीगा जी, जाने माने मार्केट एक्सपर्ट हैं जो हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़े हुए हैं। अमरीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में। पहला सवाल यही है कि एग्जिट पोल के नतीजों के दम पर जब हम देखेंगे सोमवार को भारतीय शेयर बाजार खुलेंगे, किस तरह की रणनीति होनी चाहिए निवेशकों की? देखिए, जो फाइनली जो एक्सपेक्टेड नंबर थे वो थे करीब 300-320 के आसपास, तो इसीलिए हम लोग देख रहे थे कि मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल था लास्ट वीक, क्योंकि ऐसे भी नंबर्स आ रहे थे जो 270 के आसपास थे। पर अभी जो एग्जिट पोल्स आए हैं काफ़ी पॉजिटिव है एनडीए के लिए, करीब आई थिंक द एवरेज करीब वर्कआउट होता है 360 के आसपास का, तो ये काफ़ी पॉजिटिव है। तो मुझे लगता है कि मंडे को आई थिंक मार्केट ओपन होगा विद अ गैप अप, और यदि जो फाइनल रिजल्ट्स हैं इसके आसपास रहता है या इससे बेहतर रहता है, देन आई थिंक मार्केट्स काफ़ी ऊपर जा सकते हैं। यहाँ पे पहले हम लोग बोल रहे थे कि शायद 23,500 तक जाए, पर इस टाइप के रिजल्ट्स फाइनली आते हैं तो इट्स वेरी मच पॉसिबल कि हम लोग 24,000-24,500 भी देख सकेंगे ओवर द नेक्स्ट पॉसिबली अ वीक और 10 डेज। अमरीश जी, खास तौर पर जिस तरह से लगातार हम मार्केट जो वैल्यूएशन है उसको बढ़ते हुए देख रहे हैं, 5 साल में 10 ट्रिलियन शेयर बाजार के मार्केट वैल्यू की उम्मीद जो दिग्गज एनालिस्ट हैं उनका मानना है, और हमने देखा कि डीमैट अकाउंट की संख्या भी लगातार बढ़ रही है, लोगों का निवेश के प्रति रुझान इक्विटी मार्केट में ज़्यादा हो रहा है, उस लिहाज से 6 से 1 साल के व्यू पॉइंट में अगर हम देखें तो कौन से सेक्टर्स जो कि हाई वैल्यूएशंस में हैं आप चाहेंगे कि जो निवेशक है उसकी बास्केट में होना चाहिए निवेश के लिहाज से? देखिए, आई मीन एज ऑफ नाउ यदि लास्ट 12 से 18 महीना का टाइम देखते हैं तो डिफेंस और रेलवे स्टॉक्स काफ़ी चल चुके हैं, काफ़ी मल्टी बैगर्स हो चुके हैं, पर क्योंकि एनडीए इज कमिंग बैक मोस्टली विद अ वेरी गुड मेजॉरिटी, तो मुझे लगता है कि ये सेक्टर्स अभी भी चलेंगे। पर इसके अलावा जो इंफ्रा स्पेस है वहाँ पर भी काफ़ी फोकस रहा है गवर्नमेंट का, तो इंफ्रा एंड इंफ्रा रिलेटेड सेक्टर्स भी चलेंगे, रिलेटेड इन द सेंस जो सीमेंट और स्टील, आई थिंक दीज सेक्टर्स विल डू वेल। स्पेशलिटी केमिकल्स जो काफ़ी दिनों से चले नहीं है पर चाइना प्लस वन का जो स्टोरी है वो चल रहा है इस सेक्टर पे, आई थिंक गोइंग अहेड। और जो हम लोग ने देखा है कि मार्जिन्स थोड़े बहुत इम्प्रूव हो रहे हैं आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, तो स्पेशलिटी केमिकल्स इज द अदर सेक्टर विच शुड डू एक्सट्रीमली वेल।
और जो हम लोग अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आई मीन पोस्ट इलेक्शंस जो हम लोग आई थिंक द नेक्स्ट मेन थिंग इज मॉनसून्स, और मॉनसून्स भी काफ़ी नॉर्मल अबाव एवरेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो एफएमसीजी और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एज वेल एज टू व्हीलर्स, आई थिंक दीज आर द कपल ऑफ सेक्टर्स जहाँ पे इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करना चाहिए, बिकॉज दीज आर द वंस शुड डू वेल। लेकिन ये भी माना जा रहा है कि एक तेज़ी का विस्फोट हो सकता है जब हम सोमवार के ट्रेडिंग सेशन की बात करते हैं, ऐसे में फाइनल बुल ड्रैग को अगर देखा जाए उस लिहाज से जो एक करेक्शन की भी उम्मीद लगातार शेयर एनालिस्ट मान रहे हैं, क्योंकि ज़बरदस्त रैली के बाद एक करेक्शन की उम्मीद होना हमेशा बाज़ार की सेहत के लिए अच्छा होता है, ऐसे में बाय ऑन डिप्स की रणनीति पर कौन से ऐसे सेक्टर्स रहेंगे ख़ास तौर पर जो कि आपकी निवेश बास्केट में होने चाहिए? नहीं, जो भी सेक्टर मैंने अभी बताया है, मैं तो बोलूँगा बाय ऑन डिप ही करना चाहिए, क्योंकि शायद मंडे को विच इज़ टुमारो शायद हम लोग को चांस नहीं मिले लेने के लिए, कहते बिकॉज द मार्केट्स विल ओपन विद अ गैप अप, और जैसे कि मैंने कहा आई मीन इफ द रिजल्ट्स आल्सो आर सिमिलर ट्यूजडे को जो रिजल्ट्स आएंगे इफ दैट इज सिमिलर टू द एग्जिट पोल्स तो शायद वी शुड सी मार्केट्स क्लोजर टू 23,500, तो उस लेवल पे मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि लेना चाहिए, शायद उस लेवल पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करके फिर वेट करना चाहिए करेक्शन के लिए, बिकॉज व्हाट एवर सेड एंड डन वैल्यूएशंस काफी एक्सपेंसिव हो चुके हैं, तो यहाँ से अभी तो मैं बोलूंगा कि थोड़ा सा वेट कीजिए, क्योंकि चांस यदि आपने लास्ट वीक लिया है तो आपका अच्छा चांस है, पर मंडे ट्यूजडे मैं बोलूंगा शायद लेना नहीं चाहिए अनलेस यू आर अ ट्रेडर, एज अ इन्वेस्टर मैं बोलूंगा थोड़ा दूर रहिए, एज अ ट्रेडर आई थिंक इट्स अ ग्रेट टाइम। और खासतौर पे अगले हफ्ते करीबन 3 ऐसे IPO से जो मार्केट में आ रहे हैं, 6 ऐसी नए शेयर हैं जिनकी लिस्टिंग होने वाली है, IPO को लेकर जिस तरह का माहौल अभी आप देख रहे हैं, जो हमारे घरेलू कारक हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, और उस लिहाज से IPO पर क्या रणनीति रहनी चाहिए एक आम निवेशक की? देखिए IPO में दो टाइप के IPO हैं, आपके मेन बोर्ड के IPO हैं एज वेल एज SME IPO। SME IPO में काफ़ी मैंने लास्ट 2 साल में काफ़ी IPO आए हैं एंड मोस्ट ऑफ देम हैव डन रिसेंटली वेल, पर वहाँ पे एक ही डाउट रहता है कि क्वालिटी ऑफ कंपनीज, तो मैं बोलूँगा कि SME IPO में केवल आपको अप्लाई करके बेचना चाहिए पॉसिबली इन द फर्स्ट फ्यू डेज, और जो कोड IPO हैं वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि मिला जुला सर ऑफ परफॉर्मेंस हुआ है, देयर आई थिंक वन शुड बी लुकिंग एट द क्वालिटी एंड होल्डिंग फॉर लॉन्ग टर्म। साथ ही अमरीश जी, क्योंकि हम क्वालिटीज़ की बात कर रहे हैं, ऐसे में अगर हम ऑटो सेक्टर को डिटेल में डिस्कस करें, जिस तरह के नंबर्स खासतौर पर 2-व्हीलर सेगमेंट में आए हैं जो कहीं ना कहीं रूरल इकोनॉमी के अपटिक की बात करते हैं, यानी कि आपका स्पेंडिंग पावर वहाँ बढ़ा है, तो ऑटो सेल्स को लेकर और ऑटो सेक्टर पर एक लंबा नज़रिया क्या रहना चाहिए? देखिए जिस हिसाब से डेवलपमेंट हो रहा है स्पेशली रोड्स और हाईवेज का, और जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि द रूरल इनकम इज क्लियरली गोइंग अप, और जो मॉनसून्स नॉर्मली अबाव नॉर्मल होंगे तो उसका भी बेनिफिट ऑटो सेक्टर में को रहेगा, स्पेशली 2-व्हीलर्स एंड ट्रैक्टर्स, तो मुझे लगता है कि आई मीन गोइंग अहेड एटलीस्ट द पॉसिबल 1 to 2 years तो मुझे काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है ऑटो स्पेस में, तो आई थिंक वन शुड बी इन्वेस्टेड अक्रॉस जो पैसेंजर कार्स हो, LCVs हो, 2-व्हीलर्स एज वेल एज एग्री इक्विपमेंट जैसे ट्रैक्टर्स, आई थिंक अक्रॉस दीज वन शुड बी पॉजिटिव ऑन द सेक्टर। और जैसे हम पॉजिटिविटी की बात करते हैं, क्योंकि फार्मा को डिफेंसिव के तौर पर माना जाता है, और ख़ास तौर पर एक ऐसा सेक्टर है जिस पर जब तक कि इंटरनेशनली बहुत कुछ नहीं होता, जो इंटरनेशनल मार्केट में जो दवाओं के लिए रेगुलेशंस है तो बहुत बड़ी हलचल देखने को नहीं मिलती, लेकिन काफ़ी हैवी वेट ब्लू चिप कंपनियां इसमें हैं, तो फार्मा पर अगर निवेशक अभी अपने बास्केट में से रखना चाहे खास तौर पर? फार्मा देखिए लास्ट 1-1.5 साल में काफ़ी चल चुके हैं, पर यहाँ से भी अपसाइड है, तो मैं तो ये नहीं बोलूँगा कि मैं काफ़ी ओवरवेट हूँ फार्मा पे, पर रिसेंटली पॉजिटिव हूँ, तो मैं जो पोर्टफोलियो में है वो मैं होल्ड करूँगा, यदि पोर्टफोलियो में नहीं है तो करीब अराउंड 8-10% का जो वेटेज है फार्मा के लिए रखना चाहिए इन द पोर्टफोलियो, एंड स्टॉक्स लाइक सन फार्मा, लुपिन, डॉक्टर रेड्डीज, आई थिंक दीज 3 स्टॉक्स शुड बी देयर इन द पोर्टफोलियो। हमारे साथ हमारे पहले कॉलर जुड़ गए हैं अमरीश जी, भूषण जी जुड़े हुए हैं पुणे से, भूषण जी पूछिए अपना सवाल। सर मैं ये जानना चाहता हूँ BLSE सर्विसेज के शेयर को होल्ड करना चाहिए या निकाल देना चाहिए?
कौन सा शहर है? सर मैं ये जानना चाहता हूँ बीएलएफई सर्विसेज के शेयर को होल्ड करना चाहिए या निकाल देना चाहिए? इनफैक्ट मैं ट्रैक नहीं करता तो इस पर टिप्पणी देना थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए। अमरीश जी, क्योंकि हम अगर हम रियलिटी सेक्टर को एज एन होल देखें, एक वक्त था कि बहुत ज़्यादा इस सेक्टर में दबाव देखा गया, लेकिन जिस तरह से सरकार की तमाम नीतियाँ आईं, ख़ास तौर पर एनबीएफसी को कई ऐसे रुके हुए प्रोजेक्ट्स से जो दिए गए, उस लिहाज से रियलिटी सेक्टर पर ओवरऑल व्यू क्या रहने वाला है? क्योंकि हमने देखा है ख़ास तौर पर फास्ट ट्रैक किया गया है इस प्रोसेस को कि जब घर बने तो वो घर लोगों तक पहुंचे, और इसके साथ जो उसके अलाइड सेक्टर्स है, हम सीमेंट की बात करते हैं, टाइल्स की बात करते हैं, उसमें भी अच्छा खासा रनअप है। हाँ ठीक है, ये डीएलएफ का बात कर रहे हैं तो डीएलएफ पे मैं काफी पॉजिटिव हूँ। मैंने क्लियरली सुना नहीं था कौन से स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं। डीएलएफ पे मैं डिसेंटली पॉजिटिव हूँ। मैं बोलूंगा कि इस लेवल पे होल्ड करना चाहिए। वी शुड सी लेवल्स ऑफ अबाउट 950 टू नियरली 1000 ओवर द नेक्स्ट 6 मंथ्स। और रियलिटी स्पेस के बारे में बात करें तो आई मीन दिस इज अनदर स्पेस जहाँ पे मैं काफ़ी पॉजिटिव हूँ, एंड इट इज़ अक्रॉस अफोर्डेबल टू लग्जरी। क्योंकि हम लोग बीच में देख रहे थे कि अफोर्डेबल काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लग्जरी परफॉर्म नहीं कर रहा था, पर लास्ट दो से ढाई साल में लग्जरी आई मीन रियल एस्टेट हैज डन एक्सट्रीमली वेल। इसका कारण यही है कि देखिए, जब भी स्टॉक मार्केट्स में पैसे बनते हैं लोगों के, द नेक्स्ट थिंग दे डू इज दे इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट। तो वो हुआ है लास्ट दो ढाई साल में, क्योंकि मार्केट्स काफी अच्छे परफॉर्म किए थे। दूसरा बात है कि जो सीएक्सओज है, जो टॉप मैनेजमेंट है कंपनीज के अक्रॉस, आई मीन वेदर वी आर टॉकिंग ऑफ लिस्टेड एंटिटीज एज वेल एज स्टार्टअप्स, यहाँ पे काफी लोगों ने वेल्थ क्रिएट किया है बिकॉज ऑफ ईसॉप्स एज वेल एज द इंक्रीज इन सैलरीज। तो जब भी ऐसे होता है, द नेक्स्ट थिंग दे डू इज दे इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट। उनका जो घर है वो अपग्रेड कर, 3 बेडरूम का 4 करते हैं, 2 का करते हैं। तो बिकॉज ऑफ दिस देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ डिमांड इन द प्रीमियम रियल एस्टेट स्पेस, और ये मुझे लगता है कि और भी चलेगा। तो बिल्कुल एक अच्छी रनअप हम देख सकते हैं। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हुए हैं अमरीश जी, शुभांकर जुड़े हुए हैं झारखंड से। शुभांकर पूछिए सवाल। सर मैं फिर 22 साल का हूँ और जी जी शुभांकर पूछिए। जी मैम बोल रहा, मैं सिर्फ 22 साल का हूँ और मैं 1-2 साल से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो इस बार ऑटो सेक्टर का क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऑटो सेक्टर का जैसे अगला साल पूरा गवर्नमेंट सेक्टर का स्टॉक सब भागा हुआ है, लेकिन हमको नहीं लगता ऑटो सेक्टर का क्या जानकारी दे सकते हैं? ऑटो सेक्टर का क्या हाल है? अभी तक ऑटो सेक्टर का कोई बूम नहीं आया है। ऑटो सेक्टर पे ओवरऑल व्यू पॉइंट पूछ रहे हैं, हालांकि हमने इस पर चर्चा की, लेकिन क्योंकि एक अच्छी बात है कि 22 साल की उम्र में ये निवेश के लिहाज से काफ़ी सजग और सतर्क नजर आए, किस तरह से आप इस पर जवाब देंगे अमरीश जी? देखिए जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, ऑटो स्पेस पे मैं पॉजिटिव हूँ, पर एक ही बात है कि देखिए आई मीन दिस विल नॉट बी ग्रोइंग एट 25-30%। यहाँ पे जो गाइडेंस दिया है मोस्ट ऑफ द मैनेजमेंट्स ने, दैट ग्रोथ विल बी इन द हायर सिंगल डिजिट्स, 8-9% का ग्रोथ रहेगा, विच इज स्टिल एक्सट्रीमली गुड फॉर द ऑटो स्पेस। तो जैसे कि मैंने कहा था, आई थिंक यू शुड लुक एट स्टॉक्स लाइक टाटा मोटर्स, जहाँ पे हम लोगों ने रिसेंट करेक्शन देखा है, महिंद्रा एंड महिंद्रा, आई मीन दीज आर इन द पैसेंजर व्हीकल स्पेस। टू व्हीलर्स में हीरो मोटोकॉर्प और टीवीएस आई थिंक शुड बी लुक्ड एट, एंड एचसीवी एलसीवीज में अगेन टाटा मोटर्स इज देयर, अशोक लेलैंड, आई थिंक दीज आर द वंस टू बी लुक्ड एट। साथ ही जिस तरह से हमने सरकार का सबसे ज़्यादा फोकस कैपेक्स में देखा गया, जब हम बजट की बात करते हैं उस लिहाज से इंफ्रा पर बहुत ज़्यादा फोकस है, इंफ्रा के लिहाज से भी कई अहम कंपनीज हैं जो शेयर बाज़ार में लिस्टेड हैं, और इस पूरे सेक्टर पर किस तरह का व्यू पॉइंट, ख़ास तौर पर जो हैवी वेट्स इसमें हैं, अगर उनकी वैल्यूएशंस इस वक्त ख़ास तौर पर जब हम देखते हैं डिप मार्केट में, तो क्या वो उन वैल्यूएशंस पर ख़रीदने के काबिल हैं? देखिए आई मीन एज फार एज इंफ्रा एंड केपेक्स गोज, केपेक्स में हम लोगों ने ये भी देखा कि जो प्राइवेट स्पेंडिंग था वो काफ़ी सालों से बंद था, इट वॉज एट अ वेरी लो केस, पर अभी इन द लास्ट ईयर एंड हाफ जो प्राइवेट केपेक्स है वो भी काफ़ी इम्प्रूव किया है। सो आई मीन अमंग द इंफ्रा एंड कैपिटल गुड स्पेस मैं बोलूँगा वन शुड बी लुकिंग एट एलएनटी, विच इज आई थिंक एट द फोरफ्रंट, क्योंकि एलएनटी में मेरा जो प्राइस टारगेट बनता है करीब 4200 और 4400 का बनता है ओवर द नेक्स्ट 8-10 मंथ्स। अदर स्टॉक्स लाइक एबीबी, सीमेंस, बीएचईएल,
जहाँ पे हम लोग ने अभी थोड़ा बहुत करेक्शन देखा है बिकॉज अर्निंग्स में नॉट अप टू द मार्क, पर लॉन्गर टर्म में अच्छा होना चाहिए. तो आई थिंक दीज आर द स्टॉक्स टू बी लुक्ड एट. हमारे साथ अनिल मिश्रा भी जुड़े हुए हैं. कॉलर अनिल जी, पूछिए सवाल अपना. मोतीलाल ओसवाल हाउसिंग फाइनेंस का प्री आईपीओ लिया है, तो इस साल ये ओपन होने के चांस है या नहीं? मोतीलाल ओसवाल का प्री हाउसिंग फाइनेंस का प्री आईपीओ, मोतीलाल ओसवाल का प्री आईपीओ लिया, आईपीओ हां लिया है, तो इस साल ओपन होने का चांस है या नहीं? अमरीश जी, देखिए हम लोग तो सुन तो रहे हैं कि आना चाहिए करके, पर ये कब आएगा ये तो मुझे बोलना मुश्किल है, बट होपफुल कि आ जाना चाहिए, आई मीन आइदर दिस ईयर और अर्ली नेक्स्ट ईयर. अगर हम कमोडिटी मार्केट को देखें, गोल्ड में अच्छा खासा रनअप देखा गया है. गोल्ड को लेकर हालांकि फिजिकल गोल्ड से हटकर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स और ETF पर अगर हम अभी के निवेश के लिहाज से सोचें, क्या ये सही समय है? देखिए गोल्ड का यदि हम लोग हिस्ट्री देखते हैं तो मैंने इस हिसाब से हम लोग जो चार्ट देख रहे हैं कि देयर इज अ सडन मूव और उसके बाद कंसोलिडेट करता है, तो जो सडन मूव था वो हमने ऑलरेडी देख चुके हैं. तो इस लेवल पे मैं बोलूंगा कि नहीं कि इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आई थिंक इट कैन कंसोलिडेट हियर फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, शायद एक डेढ़ साल भी कंसोलिडेट करे, अनलेस ऑफकोर्स यदि हम लोग कुछ मेजर जियो पोलिटिकल इशू देखते हैं ग्लोबली, ओनली देन गोल्ड शायद यहाँ से ऊपर जाएगा. आई मीन फॉर द टाइम बीइंग मुझे लगता है कि यहीं पे रहेगा. सो आई मीन आई विल नॉट सजेस्ट इन्वेस्टिंग इन गोल्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, तो होल्ड करना चाहिए. चलिए फिलहाल होल्ड करने की स्थिति है, लेकिन अगर हम और सेक्टर्स की चर्चा की बात करें तो क्या रणनीति निवेशक अपना सकता है? हैज़ ही मिस्ड द बस और अभी भी राइट टाइम है स्क्रीन पर चढ़ने का? इस पर भी करेंगे चर्चा, लेकिन वक्त थोड़े से ब्रेक का है इस खास शो में. Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी. ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है. शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया. अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा. समर कूल, जो हर दिल करे कबूल. बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है. गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी. अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो. ब्रेक के बाद का स्वागत. आप देख रहे हैं बाजार इस हफ्ते, जहां हम शेयर बाजार पर कर रहे हैं चर्चा. हमारे साथ शेयर मार्केट एक्सपर्ट अमरीश जी जुड़े हुए हैं. अमरीश जी, खास तौर पर अगर टूरिज्म सेक्टर का जिक्र किया जाए, सरकार ने काफ़ी फोकस किया है इस पूरे सेक्टर पर, उसके साथ साथ इसके कई रिपलिंग इफेक्ट और सेक्टर्स पर भी पड़ते हुए नजर आते हैं. पूरे अगर साल का व्यू पॉइंट लें तो टूरिज्म सेक्टर पर किस तरह की रणनीति बना सकता है आम निवेशक? देखिए टूरिज्म सेक्टर बहुत सालों बाद अच्छा खासा भी कर रहा है. आई मीन लुक एट द होटल टैरिफ्स, जो करीब 2008-09 से पकड़ के 2020-21 तक हार्डली मूव किए थे, वहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि आई मीन द एवरेज रूम रेट्स हैव मोर लेस डबल्ड और उससे भी ज़्यादा गए हैं. इफ़ यू लुक एट द एयरलाइन फेयर्स भी स्पाइक करते थे पर एवरेज रेट्स आर क्वाइट लो. अभी लास्ट 2-3 साल में देखें, मोस्ट ऑफ द एयरलाइन फेयर्स हैव इंक्रीज 50%, 70% और वहाँ पे स्टेबलाइज किया है. तो ये काफ़ी पॉजिटिव है फॉर द सेक्टर ओवरऑल एंड आई मीन स्पेशली एयरलाइंस, क्योंकि जो ऑयल प्राइस है वो भी हम लोग देख रहे हैं कि स्टेबल है, बहुत ज़्यादा मूव नहीं किया है, तो मार्जिन आर मच मच बेटर. तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि वन शुड बी इन्वेस्टेड एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स. और यहाँ जो मेरे पिक्स हैं, इट इज इंडियन होटल्स, ईस्टर्निया होटल्स और एक हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ गए हैं. आदित्य जुड़े हुए हैं नोएडा से. आदित्य पूछिए सवाल. सर मैंने विप्रो का 451 पे 210 स्टॉक लिए हुए हैं और अपोलो टायर के लिए हुए हैं सर मैंने आपके 456 पे, तो इनको मेरे को अभी कितना होल्ड करना चाहिए
रिटर्न्स के लिए। 451 पर विप्रो उठाया है और 456 पर अपोलो टायर्स। एब्सोल्युटली। तो अपोलो टायर्स आप होल्ड कीजिएगा करीब, आई थिंक इफ यू कैन होल्ड ऑन फॉर द नेक्स्ट 12 टू 18 मंथ्स, मुझे लगता है कि यहाँ पे 600 प्लस आपको मिलना चाहिए, क्योंकि टायर्स में एक ही बात है कि जो रिप्लेसमेंट मार्केट है वो आई मीन दैट इज ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली, और जिसके पास भी गाड़ी है उसको टायर्स चेंज करने ही पड़ते हैं 3-4 साल में एटलीस्ट। तो आई मीन लाइक इन द रिप्लेसमेंट मार्केट उनका मार्जिन भी हायर रहता है। सो लुकिंग एट द वे द व्हीकल प्रोडक्शन इज हैपनिंग और जिस हिसाब से रिप्लेसमेंट मार्केट डिमांड बढ़ेगा, आई थिंक इट इज पॉजिटिव फॉर द टायर सेक्टर ओवरऑल। तो अपोलो टायर्स उसमें एक लीडर है, जस्ट शायद विद द टारगेट प्राइस ऑफ 600 प्लस। अंत में यही समझना चाहेंगे आपसे अमरीश जी, क्योंकि आप इतने जाने माने शेयर मार्केट एक्सपर्ट हैं, मेन थंब रूल कि जिसको दिमाग में रखकर या सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जब कोई इक्विटी मार्केट में निवेश करता है। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो भी आप शेयर्स खरीदेंगे एटलीस्ट उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, एटलीस्ट थोड़ा बहुत उसका नॉलेज ले लीजिएगा। आई एम नॉट सेइंग दैट आपको एनालिस्ट बन के पूरा उसका बैलेंस शीट स्टडी करना पड़ेगा। आई मीन इफ यू कैन डू दैट आई मीन इट्स ग्रेट, पर इवन अदरवाइज एटलीस्ट थोड़ा बहुत नॉलेज ले लीजिए कंपनी के बारे में, क्योंकि ज़्यादा अगर लोग जो मैं देख रहा हूँ मार्केट में सब लोग पे इन्वेस्ट करते हैं, यदि आप टिप्स पे इन्वेस्ट करते हैं तो इट्स एज गुड एज गैम्बलिंग। सो एटलीस्ट स्पेंड सम टाइम अंडरस्टैंड द कंपनी जहाँ पे। बिल्कुल, आपने बहुत अहम बात की क्योंकि आपकी अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई है जिससे आप इक्विटी में निवेश करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमरीश जी इन तमाम जानकारियों को और शेयर मार्केट से जुड़े इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। और इस शो के जरिए भी हमारी कोशिश यही रहती है कि हम सेक्टर्स और शेयर स्पेसिफिक आपको जानकारियाँ दें। तो आपके जहन में कोई सवाल और भी है तो उसे अगले हफ्ते के लिए बचा कर रखिएगा, क्योंकि बाजार इस हफ्ते में हम फिर से करेंगे चर्चा। आगे आप देख सकते हैं जनादेश, मेरी सहयोगी कृतिका के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।